सो गाइस, बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि हर मसल ग्रुप को कितनी बारी हिट करना चाहिए। कोई बोलता है एक से दो बारी कर लो, हफ्ते में एक बारी कर लो। कोई कोई लोग बॉडी बिल्डर को देख के इंस्पायर होते हैं कि आज मैं चेस्ट मारूंगा, आज मैं बाइसेप मारूंगा। तो आज मैं फुल्ली साइंटिफिक बेसिस से आपको बताऊंगा 1990 से लेकर 2019 तक सारी स्टडीज़ के बारे में बात करूंगा। जो जो अच्छी स्टडीज़ है मैं उनके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, और आपको इस वीडियो के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, सारे कंक्लूजन आप खुद बना पाओगे। सो नमस्कार यारों, मेरा नाम है प्रताप और आज फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात करूंगा कि कितनी बारी आपको हर मसल ग्रुप को हिट करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस, मैं लेटेस्ट स्टडीज़ के बारे में बात करूंगा 2016 से लेकर 2019 तक जो अच्छी स्टडीज़ है। सबसे पहले इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एक्सरसाइज साइंस में 2016 में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसके अंदर 7 वुमेन एंड 12 मैन ट्रेंड इंडिविजुअल्स को लिया गया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेनिंग ग्रुप जो हर मसल को तीन बार हिट कर रहे हैं हफ्ते में, और लो फ्रिक्वेंसी ट्रेनिंग ग्रुप जो हफ्ते में एक बार एक मसल ग्रुप को हिट कर रहे हैं। वॉल्यूम सेम रखा गया, ठीक है। तो कंक्लूजन में आते हैं स्टडीज में, तो क्या पाया गया कि मसल ग्रोथ में हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेनिंग ग्रुप का 1 किलो से लेकर 1.78 किलोग्राम तक इंक्रीज हुआ, एवरेज बता रहा हूँ, और जिन और लो फ्रिक्वेंसी ट्रेनिंग ग्रुप का 0.99 केजी से लेकर 1.31 केजी तक इंक्रीज हुआ मसल। तो ऑथर ने तो ये बोल दिया कि देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बट गाइस इस स्टडी में भी यही दिखा रहे हैं कि देर इज माइन्यूट से लेकर 500 ग्राम तक मसल ग्रोथ हो रही है ट्रेन इंडिविजुअल्स में इन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेनिंग ग्रुप, बट ऑथर ने ये बोल दिया कि देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मसल ग्रोथ, तो लेके चलते हैं इसके ऊपर। अब मैं बात करूंगा 2018 की जर्नल ऑफ साइंस एंड मेडिसिन स्पोर्ट्स में ये रिव्यू आर्टिकल छपा जो 21 स्टडीज़ को पीछे पढ़ के उनके ऊपर एक कंक्लूजन दिया कि फ्रीक्वेंसी हेल्प नहीं करती कोई भी मसल ग्रोथ में। तो अगर आप 2 से 3 बारी मसल हिट कर रहे हो तो वो आपको हेल्प नहीं करेगी। ये 21 स्टडीज़ के ऊपर उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया, तो उन्होंने खुद स्टडी नहीं करी, 21 स्टडीज़ को रिव्यू करा। अब मैं बात करूँगा गाइस लेटेस्ट 26 जुलाई 2019 की स्टडी के ऊपर, ठीक है। जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च 2019 की स्टडी, इसके अंदर बहुत अच्छी स्टडी हुई कि इसके अंदर टोटल बॉडी वर्कआउट वर्सेस सिंगल बॉडी वर्कआउट, मतलब फुल बॉडी वर्कआउट वर्सेस ब्रो स्प्लिट्स के ऊपर डिफरेंस किया। जो टोटल बॉडी वर्कआउट कर रहे थे उनका मसल थिकनेस इंक्रीज हुआ इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉडी वर्कआउट रूटीन। जैसे कोई आपको ट्रेनर बोलेगा कि आज बाइसेप्स मारो, आज बस लेग्स मारो, आज बस चेस्ट मारो, उसका वर्सेस हुआ, तो जो बंदे टोटल बॉडी वर्कआउट कर रहे थे उनकी मसल ग्रोथ इंक्रीज हुई, मसल थिकनेस इंक्रीज हुई, और ऑथर ने कंक्लूजन दिया कि मसल ग्रोथ इंक्रीज हुई एंड स्ट्रेंथ में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं हुआ। बिकॉज गाइस इन्होंने अच्छी तरह प्रायोरिटाइजेशन नहीं दिया अपने इंडिविजुअल्स को जो उनके ऊपर ये रिसर्च चल रही थी। अब मैं बात करूँगा 1990 से लेकर 2016 तक मिस्टर एडम ट्रूस, ये गाइस बहुत अच्छे स्ट्रेंथ कोच हैं, एंड ब्रैंडन रॉबर्ट्स, इन्होंने अपने रिव्यू में ये बताया कि इन्होंने 1990 से लेकर 2016 तक सारे रिसर्च आर्टिकल्स के ऊपर इनडेप्थ स्टडी करी, और उन्होंने ये बताया कि अगर आप हाइपरट्रॉफी देखते हो, ठीक है, जो अगर आप मसल ग्रोथ देखते हो, इन शॉर्ट में बोलो हाइपरट्रॉफी को, आपको हर मसल ग्रुप को 2 से 3 बार हिट करना चाहिए। और अगर आप स्ट्रेंथ देखते हो, एविडेंस ये कहती है कि मिक्स आपको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग भी करनी चाहिए और लो फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग भी करनी चाहिए अगर आप स्ट्रेंथ के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। तो गाइस इन कंक्लूजन मैं इस वीडियो को आपको क्या बताना चाहता हूँ, एविडेंस ये कहती है और लेटेस्ट स्टडी ये कहती है कि आपको हर मसल ग्रुप को 2 से 3 बार हिट करना चाहिए विद इनफ वॉल्यूम। अगर गाइस आप एक दिन में 30 सेट मार रहे हो चेस्ट के, ठीक है, और वही आप 30 सेट को डिवाइड कर दोगे 2 दिन में, इट विल हेल्प यू टू हिट मोर वेट्स, ठीक है, मोर इंटेंसिटी के साथ आप वर्कआउट कर पाओगे अगर आप काम को डिवाइड कर दोगे। ये भी लाइफ में भी यही चीज है, अगर आप कोई चीज को डिवाइड कर दोगे, आज मैं आधा काम करे तो कल मैं आधा काम कर लूंगा,
तो वो आप बहुत अच्छी तरह कर पाओगे रेदर देन एक ही दिन में आप सब कुछ करोगे। तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप हर मसल ग्रुप को 2 से 3 बार हिट करो, ठीक है। और अगर आप बिगनर हो तो बिगनर के ऊपर तो कोई भी वर्कआउट पैटर्न काम कर जाएगा, और अगर आप ट्रेंड इंडिविजुअल हो, इंटरमीडिएट हो, तो 2 से 3 बार हर मसल ग्रुप को हिट करना, इट विल हेल्प यू टू रीच योर मसल पोटेंशियल, मसल ग्रोथ पोटेंशियल तक आप जल्दी पहुंच जाओगे। और अगर आप स्ट्रेंथ के पीछे भाग रहे हो तो याद रखना पीरियडाइजेशन इज द की। अगर आप पीरियडाइजेशन के ऊपर एक इन डेप्थ वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियो मैं लाऊंगा आपके लिए। तो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। कीप मेकिंग गेम्स एंड मेक बॉडी बिल्डिंग सिंपल। पीस ओवर एंड आउट।